बिलावल भुट्टो जरदारी ने वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी सिर्फ मुस्लिम दुनिया तक महदूद नहीं, खित्ते में दहशतगर्दी ने सियासी और समाजी तवाजुन को शदीद नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी, गैर मुसावी सलूक और मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जज्बात में इजाफा हो रहा है। हकीकी जमहूरियत ही इंतहा पसंदी से निमट सकती है। आइडियाज की सबसे बड़ी जंग एतदाल पसंदी और इंतहा पसंदी के दरमियान है। एक अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि तालिबान और मुजाहिदीन पाकिस्तान ने नहीं अमेरिका ने बनाए। अमेरिका ने अफगान जंग में पाकिस्तान को जबरदस्ती धकेला। दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का कत्ल किया है। अफगान, अमेरिका और नेटो फोर्सेस सब मिलकर भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सके। मुल्तान प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ खातून रहनुमा आशा गोलालाई ने कहा कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स माफिया हैं। जमहूरियत की बातें करने वालों ने टिकटें तकसीम की तो फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाम परवेज खट्टा की भांजियों, भतीजियों और रिश्तेदारों के आए। आशा गुलालाई ने कहा कि बहाउद्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी में तालिबा से होने वाली ज्यादती पर उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लोग वडेरों के खिलाफ उठ खड़े हों, वो सराय की सूबे के लिए आवाज बुलंद करती रहेंगी। आयशा गुलालाई ने कहा कि मशाल खान के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला, केस फौजी अदालतों में चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नून लीग में शमूलियत का कोई इरादा नहीं, वो अपनी पार्टी बना रही हैं। आयशा गुलालाई मुल्तान प्रेस क्लब पहुंची तो लीगी कारकुनान ने उन्हें फूलों के हार पहनाए और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं और न ही नैब किसी से इम्तियाजी सलूक पर यकीन रखता है। एहतसाब सबका की पॉलिसी पर जीरो टॉलरेंस और खुद एहतसाबी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमने डबल शाह को सिंगल शाह बना दिया। 9 अरब रुपए के फ्रॉड में से 4 अरब रुपए मुतासरीन को वापस किए, जबकि डबल शाह केस के दूसरे मुलजिम तसव्वुर गिलानी के जिम्मा 1.5 अरब से जायद में से 1 बिलियन से जायद रकम मुतासरीन को वापस लौटा दी है। चेयरमैन नैप ने कहा कि नैप ने इलीट टाउन स्कीम लाहौर के मुतासिन के 10 करोड़ बीमा मुनाफा सूद के 36 करोड़ रुपए मुतासिन को वापस कर दिए हैं। हमने 4 माह कबल जो कौम से वादा किया था कि निजी हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासिन की रकम की वापसी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी, इस पर अमल दरामद जारी है और अब किसी को मुस्तकबिल में डबल शाह नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ के लिए जाली पुलिस मुकाबले करता था, जिससे जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ ने जाली पुलिस मुकाबले कराए। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान किसी भी जगह जलसा कर लें, अगले रोज उसी जगह पर 3 गुना ज्यादा बड़ा जलसा करूँगा। इसहाक डार जब भी पाकिस्तान आए उन्हें जेल में डाला जाए और तबीयत का बहाना न सुना जाए। नवाज शरीफ माफिया सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा है, कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। लूट मार करने वालों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दीगर सूबों की पुलिस के मुकाबले में ज्यादा सलाहियत रखती है। आसमा और उस्मा कत्ल केस में पुलिस ने पेशावराना तरीके से काम किया। मशाल खान कत्ल केस में भी पहली बार ऐसा हुआ कि हुजूम को सजा मिली। इस्लामाबाद में इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मासूम जैनब के कातिल इमरान अली को जेल या सरेआम सजा के मामले पर गौर किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दोनों सूरतों में सजा का मामला हुकूमत और अदालत पर छोड़ते हुए तशहीर की सिफारिश कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक शरीयत जेल या सरेआम सजा कोई पाबंदी आयत नहीं कर सकती। सजाओं के कानून 1992 के शिक 10 में सरेआम या जेल में सजा का इख्तियार हुकूमत और जज को दिया जा चुका है। मुजरिम को सजा देने के लिए दोनों सूरतों में से एक सूरत इख्तियार करने का मामला जज पर छोड़ दिया जाए, ताहम सजा जल्द अज जल्द दी जाए और इसकी तशहीर की जाए, मुजरिम का मीडिया ट्रायल न किया जाए। उधर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वैलेंटाइन डे के फरोग की भी मुखालफत कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वैलेंटाइन डे को गैर इस्लामी और गैर इखलाकी दिन करार दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वैलेंटाइन डे का मीडिया पर फरोग रोकने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तहसीन भी की। इस सिलसिले में पैमरा के इकदाम की भी तारीफ की। पंजाब असम्बली के हाथे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद का कहना था, मैं आज राणा सनाउल्ला को जवाब देना चाहता हूं कि इमरान खान पर तनकीद के मामले में वो जुबान संभाल कर बात किया करें। शरीफों का असल मिरासी राणा सनाउल्ला है। राणा सनाउल्ला के जो शरीफों की जिस तरह से दिफा करता है और वो ये चाहता है कि शायद आइंदा वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा पंजाब का, और राणा सनाउल्ला के लिए पैगाम है कि आइंदा से
زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ قصور میں دو سال قبل 220 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ زینب قتل کیس میں کس طرح مذاق اڑایا گیا؟ 4 سال قبل 14 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا عابد باکسر انٹرپول کے ذریعے گرفتار ہوا، اب وہ بتائے گا کہ شہباز نے کتنے قتل کروائے۔